लाइक और शेयर ठोक दीजिए महाकाल का, दबा के लाइक और शेयर ठोक दीजिए। भाषण कुछ ज्यादा नहीं हो गया, मतलब कुछ भी। सो है व्हाट्स अप गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो गाइस आज की इस वाली वीडियो में मैं आप सभी लोगों को बताने वाला हूं कि कौन सा होता है बेस्ट स्क्रीन रिकॉर्डर और कैसे करते हैं हम उसको सेटअप बेस्ट तरीके से, सबसे बेस्ट होता है वो वाला। तो आज की इस वाली वीडियो में मैं ऑब्वियसली यही बताने वाला हूँ। और अगर आपको पता नहीं कि स्क्रीन रिकॉर्डर क्या होता है तो मैं आपकी जानकारी के लिए शॉर्ट फॉर्म में बता देता हूँ कि स्क्रीन रिकॉर्डर वो होता है जो हमारी स्क्रीन पर जो कुछ भी डिस्प्ले होता है उसको रिकॉर्ड करता है, यानी कि इंटरनल स्क्रीन को जो है वो रिकॉर्ड कर लेता है। और ये स्पेशली तो यूट्यूबर्स के काम में आता है और कोई भी इसको काम में ले सकता है किसी भी पर्पज़ के लिए। सो आज की इस वाली वीडियो में हम यही बात करने वाले हैं। तो चलिए बिना कोई टाइम वेस्ट किए हम अपनी वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। सो गाइस मेरे हिसाब से तो मोबिजन स्क्रीन रिकॉर्डर सबसे बेस्ट होता है, जिसका लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। तो मैं आपको भी यही प्रेफर कर रहा हूँ। तो अभी आपको जो है इसको इंस्टॉल करके ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद में आपके सामने कुछ ऐसा आ जाएगा, इसको आपको राइट करना है, फिर इसके बाद में आपको नेट ऑन रखना है। तो ये ऑटोमेटिकली इसका सेटअप कर लिया। आपको इसको नो फ्री ट्रायल पर क्लिक करना है, नो ट्रायल पर क्लिक करना है। उसके बाद से आपको स्क्रीन पर टैप कर देना है, बीच में 3-4 बार टैप करना है। उसके बाद से जो नेक्स्ट आएगा उस पर नेक्स्ट करके इसको सारी परमिशंस पर अलाउ कर देना है। अलाउ करने के बाद में जो आपको ये जो सेटिंग्स में जाने के लिए बोल रहे हैं वहाँ पे आपको जो सेटिंग्स मैंने इसको ऑन की है, एक्सेप्ट की है, वो आपको कर देनी है। उसके बाद में फिर से आपको ये 4 डब्बे वाले पे क्लिक करना है, जो भी आपको दिख रहा है स्क्रीन पे, मैं आपको दिखा रहा हूँ हाईलाइट करके। उसके बाद से आपको सेटिंग्स में जाना है। सेटिंग्स में जाने के बाद सबसे पहला ऑप्शन जो हमारे पास आता है वीडियो सेटिंग्स का, रिजोल्यूशन आपको रखना है हाई पे, जो भी आप अपने हिसाब से चूज़ कर सकते हैं। क्वालिटी भी मैं अपने हिसाब से ये 24.0 mm पर रख देता हूँ। उसके बाद कुछ भी नहीं करना है। गाइस अगला जो ऑप्शन हमारे सामने आता है वो है क्लीन रिकॉर्डिंग मोड। इस पर क्लिक करने के बाद में आपको इसको इनेबल करना है। इससे क्या होता है कि जब भी हमारी रिकॉर्डिंग ऑन होती है तब जो ये मोबिजन का लोगो है, हाँ ये वाला, तो ये वाला जो बिल्कुल ही गायब हो जाता है उस टाइम पे। साउंड आप एक्सटर्नल इंटरनल कुछ भी चूज़ कर सकते हो। तो यहाँ पे इसको पढ़ लीजिएगा आप बाद में टाइम से। और इंटरनल साउंड आप इसमें रिकॉर्ड कर सकते हो, जैसे आप कोई गेम खेल रहे हो तो आप इंटरनल साउंड उसकी रिकॉर्ड कर सकते हो। बाहर की कोई भी साउंड उसमें नहीं आएगी, जो भी सब मोबाइल में जो भी साउंड आएगी वही इसमें आएगी। और एक्सटर्नल साउंड में बाहर की साउंड भी आएगी और अंदर की। तो आता है एयर सर्कल फेस कैम वाला, तो इसको आपको डिसेबल इनेबल कुछ भी कर सकते हो आप अपने हिसाब से। और फ्रेम भी इसकी चूज़ कर सकते हो आप अपने हिसाब से। एयर सर्कल वाले ऑप्शन पे आपको जाना नहीं है। और माई ओन वाटरमार्क वाले पर अगर आप चाहो तो ठीक है, इसको बंद कर देना, इसको बंद ही रखना है, वरना जो आपकी वीडियो के नीचे मोबिजन का वाटरमार्क आएगा तो आपको उसको इसके इसमें भी कुछ नहीं करना है। तो गाइस अगला जो हमारे पास ऑप्शन आता है वो आता है काउंटडाउन का। तो काउंटडाउन आप वीडियो स्क्रीन वीडियो के हिसाब से आप अपने हिसाब से रख सकते हो। तो मैं 3 सेकंड को प्रेफर करता हूँ, ये इतना ही रहने दीजिएगा आप। और रिकॉर्डिंग टाइम आपको जितना भी रखना हो आप रख सकते हैं, कि अगर आपको रिकॉर्डिंग टाइम शो कर मतलब देखना हो कि कितनी मिनट की अपनी वीडियो बनेगी तो आप कर सकते हो। वैसे मैं तो डू नॉट शो पे ही रखता हूँ, आप जो चाहो उस पर रख सकते हो। और अगला जो स्टोरेज पाथ है वो ठीक है, अब आपको कुछ भी नहीं करना है। अब आपका स्क्रीन रिकॉर्डिंग के लिए बिल्कुल भी मतलब बिल्कुल ही तैयार है। अब आप सिंपल से इसमें से स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर सकते हो और स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। तो कैसी लगी आपको आज की ये वाली वीडियो कमेंट में लिखकर जरूर बताएं। और अगर आपको किसी और टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो भी आप कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।